Hey guys, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे डीआईटी यूनिवर्सिटी देहरादून। जी हाँ, डिटेल रिव्यू ये हमारा वीडियो होने वाला है। अच्छा, इफ इन केस आप पहली बार ये हमारा कॉलेज रिव्यू सीरीज से जुड़ रहे हैं तो आपको बताता चलूं, ये हमारा पहला नहीं चौथा या पांचवा रिव्यू वीडियो है कॉलेजेस का। इफ इन केस आप और भी रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के वो लिंक आपको मिल जाएंगे। अच्छा, हम किन कॉलेजेस के रिव्यू कर रहे हैं? उन कॉलेजेस के हम रिव्यू कर रहे हैं जो हो सकता है आपके ड्रीम कॉलेज ना हो, आप उनको पहली प्रेफरेंस ना देते हो, लेकिन आप इन सभी कॉलेजेस को एज अ बैकअप रख सकते हैं। इन सभी कॉलेजेस के एप्लीकेशन फॉर्म फिलआउट कर सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है, इन कॉलेजेस में एडमिशन ना काफी आसानी से हो जाता है। तो इफ इन केस आपको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पा रहा है किसी भी वजह से, हो सकता है आपको उस एंट्रेंस को क्रैक नहीं कर पा रहे हो, वहां पर सीट्स लिमिटेड हो इस वजह से एडमिशन नहीं हुआ वहां पर, फीस ज्यादा है इस वजह से एडमिशन नहीं हुआ वहां पर, तो जितने भी कॉलेजेस का मैं रिव्यू कर रहा हूं इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर कॉलेज डीआईटी यूनिवर्सिटी, काफी अफोर्डेबल है, काफी इजी एडमिशन प्रोसेस है, एंट्रेंस नहीं भी दिया तो भी एडमिशन के यहां पर 90% चांसेस रहते हैं, सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलआउट करना है। और जितने भी मेरे रिव्यूज वीडियो बन रहे हैं सबके डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया है, क्योंकि एप्लीकेशन जो है इस सीजन के 2024-25 के स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो के नीचे भी डीआईटी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म है, आप फिलआउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, काफी ज्यादा चांसेस हैं इन यूनिवर्सिटीज में, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो 90% आपका एडमिशन होने की गारंटी होती है, क्योंकि सीट्स ज्यादा होती है, एडमिशन प्रोसेस रिलैक्स होता है, तो यहां पर क्या होता है फीस वगैरह भी थोड़ी कम रहती है, राइट? तो चांसेस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू योर ड्रीम कॉलेजेस, यहां पर काफी ज्यादा चांसेस हैं। जहां पर ड्रीम कॉलेजेस में आपके 20-30% चांसेस हैं होने के, यहां पर इन कॉलेजेस में 90% चांसेस होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा है, क्लासरूम में सेक्शंस बहुत ज्यादा है, तो यहां पर चांसेस थोड़े आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है बच्चा। अच्छा, एक और चीज एप्लीकेशन से जुड़ी मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज सुनिएगा। जब आप गूगल पे डालते हैं ना एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, तो कई बार फेक लिंक्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर हो सकता है आप उस एप्लीकेशन को फिल कर पैसा पेमेंट कर दे और वो असली यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचे। तो श्योर करिएगा जब आप कॉलेजेस के फॉर्म फिल आउट करें तो प्रॉपर उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट हो, उसी के थ्रू आप भरें, और मैं मेक श्योर करता हूं कि आपको जो मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं वो ऑफिशियल ही हो, वो पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी का ही हो, तो आप 100% मेरे दिए हुए लिंक पे ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट बच्चा। चलिए, डीआईटी यूनिवर्सिटी देहरादून वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज है देहरादून की डीआईटी, इसका डिटेल रिव्यू हम करने वाले हैं। अच्छा, रिव्यू में क्या मैं बताता हूं कि इसी से एडमिशन लो? नहीं, मैं कौन होता हूं ये बताने वाला कि आपको इसी कॉलेज से करना है। मैं आपके सामने ऑप्शंस रख रहा हूं, जैसे मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया, हो सकता है आपके ड्रीम कॉलेज ना हो लेकिन आपके बेस्ट बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं। तो जितने भी रिव्यूज कर रहे हैं हम, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कॉलेजेस का, वो सारे एज अ बैकअप के लिए परफेक्ट आपके लिए ऑप्शन, ठीक है बच्चा। चलिए, डीआईटी के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। डीआईटी 1998 की स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है, तो कोई नई नवेली यूनिवर्सिटीज का हम रिव्यू नहीं कर रहे हैं। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में अंतर आप जानते हैं, ये एक यूजीसी अप्रूव्ड है। अच्छा, कोई भी फेक यूनिवर्सिटीज का हम रिव्यू नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे वो कितनी भी ज्यादा पॉपुलर हो, तो एक यूजीसी अप्रूव्ड यहां पर यूनिवर्सिटी है, जिसको AICTE का भी रिकॉग्निशन है। अब बहुत सारे नॉन टेक्निकल कोर्सेज भी AICTE के अंडर में आने लग जाएंगे, चाहे वो बीबी हो, बीसी हो, एमबीए, बीटेक वगैरह तो पहले से ही आते थे, अब नई रेगुलेशन के अकॉर्डिंग AICTE के अंडर में बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी आपके दिखने को मिलेंगे। AIU का भी इनके पास अप्रूवल है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के मेंबर है, प्लस इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज के यहां पर भी मेंबर है। जितने भी फार्मेसी के कोर्सेज हैं, लॉ के कोर्सेज हैं, सब कुछ यहां पर अप्रूव्ड कोर्सेज हैं, मैंने खुद ने चेक करा है फार्मेसी काउंसिल से चाहे बार काउंसिल से, दोनों ही जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनके सब कहीं ना कहीं पर्टिकुलर बॉडी से वो अप्रूव कोर्सेस हैं, ठीक है। तो एफिलिएशन में कहीं पर भी इनके को आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। अगर रैंकिंग की बात करें तो ISO सर्टिफाइड यहां पर इनको एक रिकॉग्निशन रिसीव हुआ है, QS IGOG डायमंड रेटिंग होती है, ये बेसिकली उन यूनिवर्सिटीज को मिलती है जिनका ओवरऑल जो हमारा परफॉर्मेंस होता है जो इनकी रेपुटेशन होती है, जिन यूनिवर्सिटीज की अच्छी होती है, जिनका ग्लोबल एक्सपोजर रहता है, जिनके प्रोग्राम्स सर्टिफिकेशन या सर्टिफाइड होते हैं इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के साथ, उनको ये बेसिकली सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होता है। डीआईटी यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 12th के बाद जो आप करते हैं, मास्टर्स के प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी आपको देखने को मिलते हैं, प्लस डॉक्टरेट प्रोग्राम भी, जैसे कि PhD के कोर्सेज भी आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहां पर मैंने कवर करी है। अब आते हैं मेन बात रैंकिंग की, सर डीआईटी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है? तो मैंने जितना भी हो सका लेटेस्ट रैंकिंग आपके लिए शेयर कर रहा हूं। तो वीक द वीक ये हमारे एक रैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो कि कॉलेजेस को रैंकिंग प्रोवाइड कराता है। 2023 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग
85 यूनिवर्सिटीज में से 79th रैंक इसको हासिल हुई है डीआईटी को, द वीक का बीटा है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली अगर मैं आपको एक ट्रांसपेरेंसी से बताऊं, साइंस स्ट्रीम के लिए या फिर अपने बीएससी प्रोग्राम बीटेक प्रोग्राम के लिए ये यूनिवर्सिटीज काफी फेमस है, इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए काफी यूनिवर्सिटीज फेमस है। द वीक के अकॉर्डिंग 94th रैंकिंग है आउट ऑफ 131 कॉलेजेस। आर्किटेक्चर में 2022 की रैंकिंग है 20 out of 25 कॉलेजेस। द वीक का 2022 का डाटा आपके सामने है। NIRF का बीटेक का 2022 का डाटा में 179th रैंक है आउट ऑफ 300 कॉलेजेस। NIRF बीटेक उत्तराखंड में क्योंकि बहुत फेमस है, वहां का अगर डाटा की बात करें तो 50th यहां पर इसकी रैंक है। अच्छा एक और चीज बात करूं, देखिए उत्तराखंड में जरूर है लेकिन ऑलमोस्ट जब मैंने डाटा चेक करा तो ऑलमोस्ट 68-69% आउटसाइडर्स यहां पर एडमिशन ले रहे हैं और ये कोएड कॉलेज है, मतलब बॉयज भी अलाउ है गर्ल्स भी अलाउ है, दोनों के लिए ही प्रॉपर हॉस्टल्स की सुविधा भी यहां पर आपको मिलती है, सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो पे। आउटलुक की बीटेक रैंकिंग है 24th out of 160। आउटलुक काफी अच्छा हमारा प्लेटफॉर्म है जो कि रैंकिंग वगैरह प्रोवाइड कराता है। आर्किटेक्चर में 12th है आउट ऑफ 30, 145th out of 171। 2030 IIRF की ओवरऑल रैंकिंग है। टाइम्स ऑफ इंडिया की बीटेक 2022 में 71st रैंकिंग आउट ऑफ 200। तो देखिए बहुत अच्छी नहीं है, मैं कहीं पर भी ये आपको ये नहीं बोलूंगा कि इसी कॉलेज से करना है, इंडिया का नंबर वन कॉलेज है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हो सकता है आपका ड्रीम कॉलेज ना हो लेकिन एज अ बैकअप आप इन कॉलेजेस को ले सकते हैं। एप्लीकेशन फीस रीजनेबल है, थोड़ा पेमेंट करना पड़ता है, फीस काफी रीजनेबल आपको मिलेगी इन कंपेरिजन टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस जो कि काफी प्रीमियम चार्ज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के। ठीक है, फीस वगैरह भी अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए इन कॉलेजेस में ना प्राइवेट कॉलेजेस में एक चीज अच्छी होती है एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो यहां पर ना इनका खुद का स्पेसिफिक एंट्रेंस होता है, DUET वो दे लो, अगर वो नहीं दिया CUET देते हो उसके बेसिस पे ले लो, CUET भी नहीं दिया तो कोई और एंट्रेंस दिया है उसके बेसिस पे ले लो, या फिर एंट्रेंस नहीं भी दे रहे 12th में अच्छी परसेंटेज है तो उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा। मतलब यहां पर एडमिशन होने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% होती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इन कॉलेजेस की खास बात ये होती है। रीजन क्या है? रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, सीट्स बहुत ज्यादा होती है, प्लस यहां पर ब्रांचेस काफी ज्यादा होती है, राइट? तो ये फायदा प्राइवेट कॉलेजेस को यहां पर मिलता है। ठीक है बच्चा, मास्टर्स में भी डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे कोर्सेज हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी है। मैनेजमेंट के लिए एमबीए के लिए जितने भी एंट्रेंस है सभी एक्सेप्ट करते हैं, मैट हो कैट हो सीमेट हो जिसका भी आपके पास स्कोर कार्ड है वो आप उसके बेसिस पे ले सकते हैं। अच्छा स्कोर कार्ड अगर किसी एंट्रेंस का है उसमें कम भी मार्क्स हैं तब भी आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट? अगर बहुत अच्छे मार्क्स हैं एंट्रेंस में CUET में मान के चलो आपको टॉप 100 टॉप 200 में रैंकिंग आ रही है तो इन कॉलेजेस को देखने की भी जरूरत नहीं है आपको, तो आप अपने ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे। लेकिन रैंक ही बहुत पीछे आ रही है उन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पा रहा जिनपे आप चाहते थे, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन ये कॉलेजेस आप प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, मैंने दिल्ली गुड़गांव के नोएडा के NCR वगैरह के यूपी साइड के बहुत सारे कॉलेजेस के और भी वीडियोस बनाए जहां पर आप इजीली एडमिशन ले पाएंगे, विदाउट एंट्रेंस भी आपका एडमिशन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में और कॉलेजेस के रिव्यू वीडियो है उनको भी बारीकी से देखिए, कहीं पर भी मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला कि आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, फाइनल चॉइस इज टोटली योर्स, आई एम हेयर टू प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, यस और नो? चलिए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी जो रेस्पेक्टिव एंट्रेंस होते हैं, एंट्रेंस के नाम बताने की जरूरत नहीं है, राइट? अगर आप LLB करना चाहते हैं तो आपका LSAT होता है, CLAT PG होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो एंट्रेंस होते हैं, अगर आपको बीटेक करना है JEE होता है, JEE इनफैक्ट पीछे रैंक भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं दिया JEE तब भी अपनी 12th की परसेंटेज के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है आप पे करेंगे वो है 1250, फिर भी आप जब पे करेंगे तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता लग जाएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आऊं। अच्छा एक और चीज बताऊं आपको, एक और चीज यह है कि यहां पर ना जब मैंने रिसर्च कर रहा था इस यूनिवर्सिटी के बारे में, एक चीज मुझे पता लगी यार, स्कॉलरशिप बहुत सारी ऑफर कर रही है गर्ल्स को भी, मेरिटस कैंडिडेट को भी, इनफैक्ट एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो भी, तो अप टू 20-30% आपकी फीस माफ हो जाती है अगर आप स्कॉलरशिप अवेल कर देते हैं, तो ये भी जरूर चेकआउट करिएगा जब आप इस कॉलेजेस में एडमिशन लें। चलिए बच्चा जी आगे देखते हैं, कोर्सेज अब इंपॉर्टेंट आ जाता है कि सर कौन कौन से कोर्सेज यहां पर पॉपुलर हैं अगर हम इन कॉलेजेस से अपना कोई भी कोर्स करते हैं यूजी लेवल हो या पूरा। डिटेल मैंने कोर्सेज की लिस्ट आपके तैयार करी, जितने भी इंपॉर्टेंट या फिर बोलो पॉपुलर कोर्सेज हैं जो कि DIT यूनिवर्सिटी देहरादून में फेमस है, सब कुछ हमने डिस्कस करा है। देखिए MBA करवाता है, बिल्कुल MBA करवाता है, ये एक यूनिवर्सिटी है तो अपनी खुद की एक डिग्री आपको प्रोवाइड कराएगा, ये अच्छी बात है। तो MBA ये फिनटेक में आपको प्रोवाइड कराता है, बिजनेस एनालिटिक्स जैसे स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाती है, और ट्रेडिशनल जो भी हमारी स्पेशलाइजेशन होती है जैसे कि HR है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, वो आपको मिल जाती है। काफी रीजनेबल है, 4 से लेकर 7 लाख के नियर अबाउट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए होता है, डिफरेंट डिफरेंट फीस होती है। बिजनेस एनालिटिक्स रिसेंट की स्पेशलाइजेशन है, काफी ट्रेंडिंग में है, पॉपुलर है, तो फीस क्या होगी? ज्यादा होगी। HR फाइनेंस मार्केटिंग ट्रेडिशनल है, फीस कम होगी, यस और नो? BE BTech की बात करेंगे, दुनिया भर की यहां पर भी आपको ब्रांचेस मिल जाती है, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पेट्रोलियम जैसी न्यू ब्रांचेस भी आपको मिल जाती है, ऑटोमोबाइल वगैरह भी मिल जाती है। ठीक है, तो रिसेंट ब्रांचेस हैं,
एक अच्छी चीज मैंने नोट डाउन भी करा है, स्पेशलाइजेशन में जितनी भी करंट में ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि ये ज्यादातर फेमस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए ही ये कॉलेजेस फेमस है, पैकेजेस वगैरह काफी शानदार जाते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स जैसी रिसेंट ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन है, डाटा साइंस है, IoT है, साइबर सिक्योरिटी है, बायोमेट्रिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, फुल स्टैक और डेवऑप्स जैसी यहां पर रिसेंट जो स्पेशलाइजेशन है वो सबके सब अवेलेबल। फीस की बात करेंगे तो फीस यहां पर प्रोग्राम्स के स्पेसिफिक रहती है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है, बीटेक करना है, तो नियर अबाउट 10 लाख से ज्यादा फीस है, 9.4 लाख से ज्यादा है। यहां पर 4 लाख से लेकर नियर अबाउट 13 लाख के नियर अबाउट, टू बी प्रिसाइज बताऊं आपको, तो यहां पर आपकी फीस है। अगर आप कोई ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन चुनते हो, मान के चलो सिविल से कर रहे हो, तो 5 से 6 लाख रुपए ही लगेंगे 4 साल के, ठीक है। अच्छा टोटल फीस है, ये डरना मत, टोटल फीस बता रहा हूं आपको। अगर आप बीटेक करते हैं कंप्यूटर साइंस से, कोई रेलेवेंट स्पेशलाइजेशन मान के चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर रहे हो, तो 12 से 13 लाख रुपए आपकी ट्यूशन फीस लग जाए, क्योंकि हर कॉलेजेस में ऑलमोस्ट सेम है। जितनी ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन लोगे, रिसेंट की स्पेशलाइजेशन लोगे जो कि फेमस है, फीस आपको ज्यादा पे करनी पड़ती है। और देखिए फीस पे ज्यादा इसलिए भी करनी पड़ती है प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि प्लेसमेंट ये आपको बेटर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है बच्चा। तो हमेशा देयर इज अ कॉस्ट अटैच टू इट, ठीक है बच्चा। बीएससी इफ इन केस आप बीएससी करने जा रहे हैं, तो यहां पर नर्सिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस जैसी आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है। एक और चीज, बीएससी यहां पर 3 साल का भी है, 4 साल का भी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब आपको बीएससी विद रिसर्च 4 साल का भी मिल जाता है, तो आपके ऊपर है। बीएससी 3 साल का करना है तो 3 साल का करिए, नहीं तो आप बीएससी 4 साल का भी विद रिसर्च इंक्लूडेड भी कर सकते हैं। सिमिलर गोज विद बीए, अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स करने जा रहे हैं इन कॉलेजेस से, तो यहां से क्या कर सकते हैं, आप 3 साल का भी बीए कर सकते हैं या फिर 4 साल का भी कर सकते हैं। और रिसेंट इनफ यहां पर फीस स्ट्रक्चर है 2.8 लाख से लेकर 6.5 लाख टोटल फीस है 3 साल की बीएससी की। अब सर डिफरेंस क्यों है, जैसे मैंने बताया ट्रेनिंग स्पेशलाइजेशन 4 साल का करोगे, नर्सिंग जैसा करोगे 4 साल का हमारा बीएससी होता है, उस केस में ज्यादा फीस आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चा। चलिए बीडीएस डिजाइन में भी इंटीरियर यूएक्स यूआई और विजुअल ग्राफिक्स में आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है। 7.2 लाख से लेकर 7.9 लाख का फीस स्ट्रक्चर है आपका। बीडीएस कितने साल का होता है, 4 साल का, ठीक है। बी फार्मा जैसे यहां पर, अच्छा ये एलाइड जो मेडिसिन होते हैं, बी फार्मा ऑप्टोमोलॉजी वगैरह, उसके लिए भी ये काफी फेमस है इंस्टीट्यूट, तो 4.9 लाख से लेकर 6.9 लाख का यहां पर फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। बी फार्मा का बड़ा भाई एम फार्मा भी इस कॉलेज में अवेलेबल है। बीसीए भी यहां पर अवेलेबल है, 3 लाख, बहुत ही रीजनेबल फीस, यहां से आप बीसीए कंप्लीट कर सकते हैं। बीए जैसे मैंने बताया 3 साल का भी है, 4 साल का भी है। बी इकोनॉमिक्स, बी इंग्लिश, बी साइकोलॉजी जैसी पॉपुलर स्पेशलाइजेशन आपको यहां पर देखने को मिलती है। एमसीए भी आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए से 2 साल का, ठीक है बच्चा। बी आर्ट्स हमारा कितने साल का कोर्स है, इन ईयर अबाउट 4 से 5 साल का कोर्स है। कई कॉलेजेस 5 साल का कराते हैं, कई कॉलेजेस 4 साल का, ठीक है। 12.3 लाख यहां पर फीस स्ट्रक्चर आपको पे करना पड़ता है। एमएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, 1.7 लाख से 3.6 लाख का फीस स्ट्रक्चर है। एमटेक में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और रीजनेबल 2.4 लाख का यहां पर एवरेज फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। मास्टर ऑफ डिजाइन 3.4 लाख, बीपीटी फिजियोथेरेपी 3.3 लाख, एम प्लान 3.2 लाख का फीस स्ट्रक्चर है। पीएचडी में केमिस्ट्री से कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से, इंग्लिश से, मैनेजमेंट से, मैथ से, फिजिक्स से, इकोनॉमिक्स से, साइकोलॉजी से, और भी काफी ज्यादा पीएचडी के यहाँ पर भी ऑप्शन है, मैंने जितने भी फेमस है उनके नाम यहाँ पर लिख रखे हैं। 2.9 लाख के नियर अबाउट इसका फीस स्ट्रक्चर है, 4 से 5 साल का हमारा पीएचडी का प्रोग्राम चलता है, ठीक है बच्चा। चलिए हॉस्टल की बात कर लेते हैं। हॉस्टल की फीस नियर अबाउट 1,17,500 रुपए, बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स हैं, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है दोनों का फीस स्ट्रक्चर। तो मैंने आपके लिए फीस भी यहाँ पर, मैस फी है, लॉन्ड्री है, टोटल सिक्योरिटी वगैरह कुल मिलाकर 1,20,000 के नियर अबाउट आपका ये रहता है, 1,17,500 रुपए, ठीक है बच्चा। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि सर प्लेसमेंट के बारे में तो बताइए सर। तो रिसेंट प्लेसमेंट डाटा आपके सामने है, 2023 का जो इनका प्लेसमेंट का डाटा है उसके अकॉर्डिंग। देखिए एक चीज मैं आपको समझाता चलूं, 2018-19 का यहां पर दे रखा है नंबर ऑफ ऑफर्स कितने आए हैं। 2019-20 में कोविड का समय चालू हो गया, ठीक है, 1100 के नियर अबाउट यहां पर, 1250 यहां पर, और 2022-23 में 1450। एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि ज्यादातर इनका ऑफर्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ज्यादा कंपनीज आ रही हैं, ज्यादा कंपनीज आएगी तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जितने भी बच्चे इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं ज्यादातर बच्चों को प्लेसमेंट मिल पाए, समझ में आ रहा है बच्चा। तो 500 से ज्यादा कंपनीज 2023 में विजिट करी थी, 500 से ज्यादा कंपनीज ने 1,450 से ज्यादा आपको ऑफर्स प्रोवाइड कराते, 14,000 प्रोवाइड कराते, बात ही क्या थी, ठीक है। 58 लाख पर एनम का यहां पर डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज गया था पैलो अल्टो से, ठीक है, मेंसी फॉर इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज गया था 1.25 करोड़, ये ठीक फिगर है, ठीक है। यहां पर मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूं, जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करा रही है वो ही मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है बच्चा। तो काफी डिसेंट है, काफी डिसेंट इनफ है, 500 से ज्यादा कंपनीज विजिट कर रही है और ये हल्की बाजी नहीं है, ठीक है।
बहुत अच्छे कॉलेजेस को भी मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छा नाम है, लेकिन सिर्फ 200 से 300 कंपनी ही विजिट कर रही है, क्योंकि सही नहीं है। जैसे मैंने बताया, जितने ज्यादा ऑफर आएंगे उतना ज्यादा बच्चों को प्लेसमेंट मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, तो एक अच्छी बात है। तो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सही डायरेक्शन में ये कॉलेज जा रहा है, और मेरी नहीं भी सुनते हैं, गूगल में रिव्यूज पढ़ते हैं, तो प्लेसमेंट काफी अच्छा यहाँ पर आपको देखने को। यस और नो? चलिए टॉप रिक्रूटर्स की बात करेंगे, तो पहले ऑल्टो, क्रेड, विप्रो, सिक्योर, ब्लिंकेट, ओको, जोमेटो इंश्योरेंस ऐप है, इंफोसिस, एसेंचर, एडोबी, डेस्केलर, आइकॉन, मर्सिडीज बैंक, कॉग्निजेंट, ऑप्टम, जितनी भी फाइनेंशियल फर्म है, कंसल्टेंसी फर्म है, आईटी फर्म से आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है, चाहे बी टू बी फर्म्स हैं, तो काफी सही इनका प्लेसमेंट वगैरह है, कंपनीज अच्छी विजिट कर रही है, इंटरनेशनल कंपनीज भी एमएनसीज वगैरह विजिट कर रही है, तो मेक श्योर करिएगा आप इस कॉलेज में थोड़ा और रिसर्च करें अपने बेसिस पे, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी है आप तक सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ला पाऊं, और एज अ बैकअप ये परफेक्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, राइट। अगर आप देहरादून में कोई कॉलेज देख रहे हैं, उत्तराखंड में कोई कॉलेज देख रहे हैं, हो सकता है आप लोकल हो वहां के कॉलेजेस वगैरह देख रहे हो, तो उस केस में डीआईटी का काफी सही प्लेसमेंट है, काफी सही फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर मुझे अट्रैक्टिव लगा, रीजनेबल लगा, कि अगर आप वहां पर रहकर भी मैथ्स इंक्लूडिंग मैथ्स चार्जेस भी ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस के इतना ही मैथ्स वगैरह रहता है, लेकिन फीस स्ट्रक्चर को अगर कंबाइन करके देखेंगे तो एक डिसेंट इनफ आपका कोर्स की फी रहती है, जो कि बच्चा अफोर्ड कर सकता है इफ इन केस वहां पर पढ़ने जा रहा है, लोकेशन तो इससे बढ़िया आपको क्या मिलेगी, ठीक है। तो इफ इन केस आप इंटरेस्टेड होते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के हमने लिंक दिया है, ताकि आपको गूगल पे सर्च नहीं करना पड़े, एप्लीकेशन फॉर्म आप डायरेक्टली इसी लिंक से फिलआउट कर सकते हैं, जो भी कोर्स के लिए आप जा रहे हैं, चाहे आप बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, आप इसी जो लिंक हमने प्रोवाइड करा रहे हैं उसी के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म को फिलआउट कर सकते हैं। अच्छा, प्रोसेस क्या रहता है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं ना, कई बच्चे बोलते हैं सर एप्लीकेशन भर लिया हमारा तो एडमिशन पक्का हो गया, ऐसा नहीं होता है ना, आप किसी भी कॉलेज का एडमिशन फॉर्म फिलआउट करते हैं तो दो तीन प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलआउट करें, जो आप कर लेते हैं। अब उस यूनिवर्सिटीज के पास आपका डाटा आ गया है, तो सबसे अच्छी बात क्या है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलआउट कर लिया तो कॉलेज के पास आपका डाटा आ गया, तो इफ इन केस जब भी एडमिशन ओपन हो, एडमिशन ओपन मतलब जब भी मेरिट प्रिपेयर्ड होती है तो आपको सबसे पहले कंसिडर करा जाएगा, सबसे पहले कंसिडर करा जाएगा, रदर देन उन बच्चों को जो कि मेरिट निकलने के बाद अप्रोच करते हैं यूनिवर्सिटीज को कि हमारा एडमिशन दे दो, सबसे पहले आपको कंसीडर करा जाएगा जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलआउट कर लिया। एप्लीकेशन फॉर्म जिन भी बच्चों के आए हैं उनकी एक मेरिट निकाली जाएगी कि उनमें से भी सबसे ऊपर कौन से बच्चे हैं, मतलब जिन बच्चों ने एंट्रेंस दिया है उस एंट्रेंस पे सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, जिन बच्चों ने सिर्फ 12th की परसेंटेज के बेसिस पे या ग्रेजुएशन की परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन लिया है उनमें कौन से बच्चे सबसे अच्छे हैं, तो एक मेरिट निकाली जाती है, क्योंकि यहां पर भी अनगिनत तो एडमिशन नहीं दे सकते ना, यहां पर भी एक लिमिट होती है। मान के चलिए आपका जो ड्रीम कॉलेज है, जो डी यू है, जो बी एच यू है, जो निम्स है, सिम्बोसिस है, वहां पर अगर नहीं भी हो पा रहा है तो वहां पर लिमिटेड सीट्स वगैरह है ना, तो यहाँ पर वहां से ज्यादा है, लेकिन इतने भी नहीं है कि किसी का भी हो जाएगा, कि आपकी 40% है और आपका हो जाएगा, नहीं ऐसा भी नहीं होता ना, तो कहीं ना कहीं वो भी मेरिट निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले ये गारंटी है कि आपको कंसिडर करा जाता है, क्योंकि आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलआउट करा है, आपने उनको अपना प्रेफरेंस बताया है कि मैं इस कोर्स के लिए जा रहा हूँ, मेरी एजुकेशन ये है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरे मार्क्स ये हैं, तो आपको सबसे पहले कंसिडर करा जाता है। और बहुत सारे जो कोर्सेज होते हैं वहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सीट के बेसिस पर भी एडमिशन होता है, सबसे पहले जिस बच्चों ने अप्लाई करा तो उनको सबसे पहले एडमिशन के लिए कंसीडर करा जाता है, तो कहीं ना कहीं इसलिए ये बोला भी जाता है हमारे एक काउंसलिंग सर्किल में और कहीं ना कहीं एडमिशन सर्किल में कि प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलआउट कर लिया तो 90% आपकी गारंटी होती है कि आपको वहां पर एडमिशन मिल जाता है, ठीक है बच्चा। तो उस केस में आपको एप्लीकेशन फॉर्म तो फिलआउट कर ही देना है, और कहीं ना कहीं यहाँ देखो पैसे लग रहे हैं, ऑब्वियसली चीजें मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पैसे लग रहे हैं, लेकिन ये रिस्क तो लेना ही लेना पड़ता है इफ इन केस आप गैप नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ना एंड ऑफ द मतलब एडमिशन साइकिल जब खत्म होने वाले होती है, जब इन यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करते हैं, जब इनके पास भी सीट्स अवेलेबल नहीं रहे, तो मेक श्योर करिए कि आप एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही फिलआउट कर लीजिए, हो सकता है आप एडमिशन ना ले, हो सकता है आप एडमिशन ना ले, आपका ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो यहां पर जो आपके 1000 रुपए खर्च हुए हैं कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, ड्रीम कॉलेज तो आपको मिल रहा है, लेकिन इफ इन केस ड्रीम नहीं मिल पा रहा और यहां भी नहीं मिल पा रहा तो आपको एक साल वेट करना पड़ जाता है, तो उस केस में एज अ बैकअप के लिए ये कॉलेजेस ठीक होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही फिल आउट करना पड़ता है, तब जाकर आपको इनके लिए कंसीडर करा जाता है, और अभी ये परफेक्ट टाइम है, अभी ये परफेक्ट टाइम है, क्योंकि अभी तब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा वाली सिचुएशन नहीं आई है, अभी बहुत सारे बच्चों के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, वो एग्जामिनेशन खत्म होने का वेट कर रहे हैं, राइट, उसके बाद हो सकता है वो फॉर्म फिल आउट करें, तो सबसे पहले अगर आप फिल कर लेते हैं तो आपका सबसे पहले कंसीडर करा जाएगा एडमिशन, राइट, फाइनल चॉइस इज टोटली योर्स, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इफ इन केस और कॉलेजेस का रिव्यू देखना है डिस्क्रिप्शन में ही और कॉलेजेस के रिव्यू वीडियो के भी मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से चेकअप कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका भी दिन आएगा, थैंक यू सो मच।